देखें दोस्तों, ये मैंने खगल काश किया इस साल, मैंने यानी कि 2021 में मैंने ये खगल काश किए हैं। देखें दोस्तों, ये 6 लाइनें हैं, ये भी मेरी ये लाइनें, ये यानी कि ये एक तरह का जंगल बन जाता है दोस्तों। इसकी यानी कि स्ट्रेट लाइन में दोस्तों मैंने 6 लाइनें और बनाई हैं, और दोस्तों ये 400 फुट, 400 से 500 फुट लंबी लाइनें हैं, यानी कि एक लाइन 600-700 फुट है। आप अंदाज लगाएं 7 लाइनें हैं, 6 लाइनें हैं, और दोस्तों इसके अंदर यानी कि टोटल 10,000 दरख्त लगाए दोस्तों। और भी जगहों में दोस्तों दरख्त लगाया है, और 2021 में मैंने दोस्तों 10,000 फॉरेस्ट लगाए हैं, यानी कि 10,000 की शजरकारी की है दरख्तों की। देख रहे हैं दोस्तों, ये देखें मेरे दरख्त, देखें बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रोथ है। आपको नज़दीक से विज़िट करवाता हूँ, इस साइड पे ये दोस्तों मेरी चने की फसल है, ये देख रहे हैं दोस्तों बहुत खूबसूरत मंजर है। ये देखें दोस्तों दरख्त, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनें, ये देखो दोस्तों वहां सब चल के आ रहे हैं, और ये देखें इतना फासला तय भी कर लिया, लेकिन अभी भी दरख्त आगे जा रहे हैं लाइनें। बहुत दोस्तों इस पर मेहनत हुई है, लेकिन आप शुक्र अल्लाह का ये संभल गए हैं। इंशाल्लाह 4 से 5 ईयर बाद इनकी कटिंग शुरू हो जाएगी। ये देखें दोस्तों, देखें दोस्तों ये थल है नमाकोट, इसे देखें। इंशाल्लाह मैं अनकरीब थल को रेगिस्तान से जंगल में मंगल ना करूं तो फिर बात करना आपको। ये मैं अपना चैनल एग्रीकल्चर विद उज़ैमा पे गाइड करता रहूंगा, आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से मैंने थल जो रेगिस्तान था जिससे मैंने जंगल में मंगल कर दिया है दोस्तों चंद सालों में। इंशाल्लाह आप मेरे दोस्तों मेरे चैनल एग्रीकल्चर विद उज़ैमा से जुड़े रहें, और आपको रेगिस्तान के अंदर जो सरसब्ज काम हो रहा है ये आपको वक्तन फोक्तन गाइड करते रहें। देखना है दोस्तों, ये हम पहुंच गए हैं जिसे कहते हैं रेत का टीला, इसकी जानी हम बढ़ रहे हैं। देखें दोस्तों ये चने, आपको ऊपर से अपनी यानी कि जमीन का व्यू दिखाता हूँ। देखो दोस्तों इतना फासला तय कर रहे हैं, आप देख रहे हैं लाइनें दरख्त की। देखो दोस्तों ये हम टीले पे चढ़ रहे हैं, अल्लाह देखे दोस्तों हम रेत के टीले पे चढ़ गए हैं। देख रहे दोस्तों वहां से 6 लाइनें आ रही हैं, उसी तरीके से स्ट्रेट ही अभी जा रही हैं लाइनें 6, आपको नजर आ रहे होंगे दरख्त। दोस्तों फॉरेस्ट फार्मिंग कर रहा हूँ मैं गांव में यानी रेगिस्तान के अंदर, देख रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त लाइनें की ग्रोथ चेक करें। देखें अंदर से दोस्तों कोई कल में लगाई थी मिस भी हो गई हैं, लेकिन हमने यानी कि कम फासले पे लगाई थी जिसकी वजह से समझ लो
इसका नुकसान ही हुआ, फायदे हुआ है। आज आपको मैं अपने जो पूरा मैंने थर्ड हिस्सा जो फार्मिंग किया वो दिखाता हूँ आपको दोस्तों, आपको और वीडियो दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो डेजर्ट के मज़े लेंगे, डेजर्ट के बारे में आपको गाइडलाइन करते रहेंगे दोस्तों। देखें दोस्तों फॉरेस्ट, देखें दोस्तों ये पौधा इस टाइम 1.5 साल का हो चुका है दोस्तों। ये पहले लगाए थे अपने पौधे और इनमें कुछ कुछ बचे थे, बाकी सारे जल गए थे। फिर हमने 2021 में सितंबर के मौसम में दोस्तों ये काश की हैं, इनका भी लगभग 6 मंथ हो चुके हैं। इनकी परफॉर्मेंस देखें, इंशाल्लाह 7-8 महीने में ये इनके बराबर हो जाएंगे और ये आपको बिल्कुल एक जंगल का व्यूज देंगे। देख रहे हैं ये देखें, जबरदस्त पौधा है। ये देखें दोस्तों कहाँ से हम नीचे उतरे हैं और आगे देखें कि कहाँ तक हम आ गए हैं। लेकिन अभी फ्रेस्ट जो हमने लगाया है फार्मिंग वो भी जारी है। दरख्तों की लाइनें देखें दोस्तों, 6 लाइनें। ये चीज देखें दोस्तों, ये आप देखें कि ये एक तरह का टीला है, ढलवान सी है, ठीक है। देखें हमने इस पे लगाए हैं दरख्त और आपको मालूम होना चाहिए कि जो रेगिस्तान करना जो हम फार्मिंग करते हैं इस पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि रेत है, खुश्क इलाका है, फिर इसकी वाटर मैनेजमेंट की है। और दोस्तों देखें उसके नतीजे में हमें बहुत बेहतरीन फल मिल रहा है, जो हमने मेहनत की है इंशाल्लाह उसका फल भी मिलेगा और हम उस मेहनत से खुश हैं, मुतमिन हैं।